भुवनेश्वर ये बहुत ही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्टेट है और यहां से हमारे अनेक नेता चुन के आए हैं और उन्होंने देश की सेवा की है और आजादी के वक्त भी यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो पटनायक साहब का सपोर्ट मिला तो इसीलिए हम आजादी को हासिल करने में कामयाब हो गए। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण स्टेट है, ऐसे स्टेट में हम को जरा ये 24 वर्ष से धक्का लगा है कांग्रेस को और यहां पर आज नवीन पटनायक जी 24 वर्षों के लंबे कार्यकाल उनकी बहुत बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन काम करने के बाद और उन्होंने जिनके साथ काम किया वो भी कम से कम 10 साल से मोदी जी उनके साथ ही है। उन्होंने इस राज्य के भलाई के लिए एक होकर काम कर रहे हैं, ऐसा हम पहले सोचे थे, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। वो अब उनका एक दूसरे का जो ओपनली झगड़ा चल रहा है उससे मालूम होता है कि हमारे उड़ीसा स्टेट का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बगैर बात करे तुम लोग अंदर से ही एक होकर अपने तख्त की हिफाजत करने के लिए जो कोशिशें की लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं हुआ। और आमतौर पर यहां उड़ीसा में भीषण बेरोजगारी है, दूसरा बेतहाशा महंगाई है। आपको तो मालूम है देश में महंगाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने उठाया है और यहां पर भी और भी महंगाई ज्यादा है। उड़ीसा की पहचान सस्ते मजदूर मुहैया कराने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। वो सब ये लोगों ने बना दिया। यहां पर इतना नेचुरल रिसोर्सेस है और यहां का रिसोर्सेस बाहर जाके बड़े बड़े कारखाने बनते हैं, बड़े बड़े यानी एम्प्लॉयमेंट मिलने के जो आसार बाहर होता है यहां पर वो नहीं मिलता। इसको अगर दूर करना है तो हम ये दोनों सरकार को बदलना होगा। और तीसरा खास करके ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है। तो इसीलिए हम जो बीजेडी को पहले वक्त जो हमने एक यहां के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं हैं और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और तीसरा युवाओं में भीषणतम बेरोजगारी तो बढ़ रही है लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हम अभी हमारे साथ जो नेता आए थे
उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% आईएलओ रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आप सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें? 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट रखता है और फिर भी लोगों से वो वोट पूछते हैं, तो किस मुंह से वो पूछते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहां के लोगों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया और यहां पर कोई मदद ही नहीं किया, सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक मैं क्या कहूं कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का हाथ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई इसके लिए है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और एक होकर इस देश को रखने के लिए, और तीसरा कि जो आज कल हेट स्पीचेस करके समाज में जो डिवीजन कर रहे हैं मोदी साहब, तो उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और ये बहुत से माइनिंग और अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है उसकी यहां पर बहुत लूट हो रही है, और बड़े बड़े जो भी प्लांट्स बने, कुछ भी बने, तो पहले के हैं, इनके तो कोई इसमें हिस्सा नहीं है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने राज्य के हित में काम करना चाहिए, और उसी ढंग से मोदी जी जो आज हर जगह जाके बोल रहे हैं कि मैं 400 पार सीट ले रहा हूं। अरे 400 पार कहां लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं? आप केरला में हैं? आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं, और तेलंगाना में ये लोग हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर। और यहां पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले हमारे इनको मिलते थे, अपना पटनायक जी को, अब यहां पर भी वो खत्म होके कांग्रेस ऊपर आ रही। कांग्रेस इसलिए ऊपर आ रही कि ये दोनों के लड़ाई में, और ये दोनों जो इस उड़ीसा को बर्बाद करने में लगे, तो लोग अब रियलाइज करें, तो वो रियलाइज करके आज कांग्रेस को वो मदद कर रहे। उसके बाद हमारी गारंटीज ये है कि मोदी साहब तो बोलते मोदी की गारंटी ये तो पक्की है, सरकारी है बोलते, लेकिन उन्होंने कभी गारंटी नहीं निभाया। 15 लाख की गारंटी उन्होंने निभाई? 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का उन्होंने निभाया? किसानों की आमदनी डबल करने का उन्होंने निभाया? और उसी तरह जो उन्होंने कहा वो एक भी नहीं करे, फिर अब गारंटी बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी गारंटी देश के लिए कुछ भी नहीं है, देश पूरा तुम्हारी गारंटी मींस पेट्रोल ज्यादा करना भाव, डीजल ज्यादा करना, एलजीपी करना, उसके बाद गैस का
प्राइस बढ़ाना, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाना और उसके बाद औषधों का जो दाम है वो बढ़ाना, ये सारी चीजें आप क्या ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी डालना, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जीएसटी डालना, ये सब तुम्हारे काम है। ये है मोदी है तो ये मुमकिन है। तो इसीलिए हम आज के दिन ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये जो हमने एक माहौल तैयार किया है जनता के लिए, और ये लड़ाई जनता की है, जनता खुद लड़ रही है मोदी के खिलाफ, जनता उठी है, नौजवान उठे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं, और उसी लिए तो हमने 5 न्याय और 25 गारंटी हमने तैयार की है, खास करके युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और जनगणना के आधार पर लोगों को मदद करना, और उसी लिए तो जातीय जनगणना करके लोगों को जो मदद कर सकते हैं वो करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम फर्म हैं, वैसा हम पूरा करेंगे। उसके बाद में मैंने लखनऊ में कहा था कि कल, तो ये क्या है, जैसा कि हम UPA 2 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और उससे ही गरीबों का आज पेट भर रहा है, नरेगा का स्कीम लाया उससे ही लोगों को फायदा हो रहा है, उसी के बाद राइट टू एजुकेशन हमने लाया उसी से बच्चों को विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है, ऐसे कई चीजें हैं हमने किया बगैर बोले। मैं हम कभी नहीं बोले कि हमारी ये गारंटी है इलेक्शन में, लेकिन सत्ता में आने के बाद UPA सरकार 1 और 2 में सब कुछ किया। इन्होंने एक काम किया कि नोटबंदी किया, और नोटबंदी होने के बावजूद भी अगर अदानी अंबानी के पास ट्रक भर भर के पैसे निकल रहे हैं, टेम्पो में अगर पैसे निकल रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे थे, नींद कर रहे थे, अपने ही लोगों के पास पैसे है, तुम खुद बोलते, फिर काला धन कैसा आया, कहां से आया। तो ये बोलते एक करते हैं एक, इनको कोई जनता की चिंता नहीं, इसीलिए हम अब 10 केजी जो 5 पहले उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन हम इससे पहले भी 35 केजी तो हम सबको देते थे, और हमने जो शुरू किया इसमें फिर हमने एडिशन करने का सोचा, और ये 5 केजी के बजाय 10 केजी हम करेंगे, ये हमारा इरादा है और इसको आगे और बढ़ाएंगे। जब गठबंधन की सरकार आएगी निश्चित रूप से ये न्याय और गारंटी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये डेफिनेटली मैं बोलता हूं बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं आने वाली है। मैं ये आंकड़े के साथ आपको बताया कि ये स्टेट में तो उनका घट रहा है, ये राज्यों में भी चलेंगे, ये राज्यों में भी उनके घट रहे हैं। अब फर्ज करो कर्नाटक में एक ही सीट थी, हम तो वहां पर 10-12 ला रहे, तेलंगाना में 1-2 थे, अब तो हम वहां 10-12 ला रहे, फिर इनके पास कौन से ऐसे आंकड़े मिले जो 400 पार, मैं समझता हूं 200 से ज्यादा ये सीट उनको आएंगे नहीं, इनकी सरकार बनेगी नहीं, हमारी गठबंधन सरकार की बनेगी, हमारे पास उतने नंबर है उनको रोकने के लिए और सत्ता से बाहर करने के लिए। एक तो हमारी अकाउंट बंद कर दिए, जो 14 लाख रुपए की कमी थी, कई के लिए कि हमने टाइम पे ये नहीं किया, एक मिनट भाई, टाइम पे हमने रिटर्न नहीं भरा और उसमें 14 लाख नहीं दिखा है,
तो उन्होंने ये कहा कि तुम 14 लाख नहीं दिखाए, इसीलिए 135 करोड़ रुपए का उन्होंने हमारे ऊपर पेनल्टी लगाया और हमारे ट्रेजरी को ताला डाल दिया, बैंक अकाउंट बंद कर दिए। तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड तो नहीं है, ये तो सताने का है। और हम गरीबों के तरफ है, हम तो कोई अमीरों के तरफ नहीं उनके जैसा। और ये तो स्टेट ऐसा है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, आदिवासी, ये सब मिलके मैं समझता हूँ 90-92% होगा। इतना बड़ी संख्या में रहते हुए भी यहाँ के लोग किस वजह से ये देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब तो सबको समझ गया है, डेफिनेटली हमको वो लोग मदद करेंगे, इस बार हम जरूर आएंगे।